नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हो, आज 21 जनवरी 2021 को RKCL का RSCIT पेपर हुआ है। आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। आप मेरे वीडियो में देख के ये पता कर सकते हैं कि जो आपने आंसर दिए हैं वो आपके सही है या गलत है। आप ये पता लगा सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर बताऊंगा और विद डिटेल्स बताऊंगा कि ये आंसर सही क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, विच की कम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अर्थात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम और कंट्रोल जेड, पर ये चारों ऑप्शन ही गलत है। पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करानी हो तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अर्थात इस क्वेश्चन के अंदर कहीं मिसप्रिंटिंग हुई है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए RKCL के द्वारा बोनस अंक दिया जाएगा। आप कंट्रोल प्लस एक्स की सहायता से कट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन की सहायता से हम न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंसर्ट कराते हैं, कंट्रोल प्लस एम होता है न्यू स्लाइड इंसर्ट कराने के लिए और कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इन चारों ऑप्शंस में ही नहीं है, तो आपको इसके लिए जरूर एक बोनस अंक दिया जा सकता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला की रेंज को एक दूसरे से पृथक करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला को पृथक करने के लिए आप कोमा ऑप्शन का उपयोग करते हैं। कोमा ऑप्शन के द्वारा आप इसको पृथक कर सकते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, कोमा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप का क्या उपयोग है। तो व्हाट्सएप के द्वारा आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, इमेज डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज, यानी आप ये उपरोक्त सभी तीनों कार्य इस व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल वॉलेट, यानी इनमें से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं SBI बड़ी, भीम और पेटीएम, ये तीनों मोबाइल वॉलेट है। क्रेडिट कार्ड एक कार्ड होता है जो बैंक के द्वारा हमें इश्यू किया जाता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ईमेल फोल्डर, यानी ईमेल फोल्डर के अंदर इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं ईमेल फोल्डर के अंदर सेंड मेल होता है, जिसके अंदर आपके द्वारा सेंड की हुई ईमेल आपको दिखाई दे जाती है। रिसीव मेल नहीं होता है, रिसीव मेल की जगह वहाँ पे लिखा हुआ होता है इनबॉक्स। ट्रेस में वो मेल्स जो आप डिलीट करते हैं वो ट्रेस के अंदर स्टोर हो जाती है, और जो अनवांटेड स्पैम होते हैं वो स्पैम फोल्डर के अंदर हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह बी, रिसीव मेल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग वुड यू यूज टू यूज इन योर कंप्यूटर टू सेट अप डिफरेंट नेटवर्क कनेक्शन, यानी आप अपने कंप्यूटर के अंदर विभिन्न प्रकार के नेटवर्क कनेक्शन को सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करोगे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, बी, बी ऑप्शन, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर के अंदर विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD, DVD का फुल फॉर्म क्या है। तो DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों ही कहते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो रहेगा डी, बोथ ए एंड बी, बोथ एंड ए एंड बी, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। आठवें क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा हुआ है, इन MS वर्ड विच शॉर्टकट इज यूज टू इंक्रीज फॉन्ट, यानी फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपका उत्तर रहेगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का उपयोग आप फॉन्ट की साइज को बड़ा करने के लिए कर सकते हैं, और स्मॉलर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन, इसका उपयोग आप फॉन्ट की साइज को छोटा करने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट इज, यानी इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है।
तो आप सभी जानते हैं फेसबुक एक बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर भी एक बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका सी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही ए और बी नेटवर्किंग सोशल साइट है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू रन अदर सॉफ्टवेयर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दूसरे सॉफ्टवेयरों को रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या अन्य किसी भी कोई भी प्रकार के सॉफ्टवेयर, उस सबको रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज डिजाइन एंड लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इनमें से किसका जो लॉन्च, किसका लॉन्च भारतीय भुगतान निगम द्वारा किया गया है। तो इसमें देखिए ये रुपे, ये जो ऑप्शन है रुपे, ये इसका सही आंसर है। इसका प्रयोग, इसका इसका इसको लॉन्च भारतीय भुगतान निगम द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए जो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं बूटिंग, इसका सही आंसर है डी, बूटिंग। बूटिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर ऑन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर वो होता है जिसके अंदर हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट को ब्राउजर ब्राउज करते हैं। तो देखिए गूगल क्रोम, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों ही वेब ब्राउजर है। तो इसका उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, जीपीएस का फुल पूरा नाम क्या है। तो देखिए आप सब जानते हैं जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी जीपीएस का उपयोग करके आप मैप देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर वो एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप मोबाइल के अंदर विभिन्न प्रकार की एप्स डाउनलोड करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की इन ऑन कीबोर्ड इज, यानी कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की कितने प्रकार की, कितनी फंक्शन की होती है। तो दोस्तों आप सभी कीबोर्ड का यूज करते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आप रोजाना देखते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। इसकी जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड के अंदर वो होती है टोटल 12, यानी इसका उत्तर रहेगा बी, बी आपका इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउस इज एन, माउस क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माउस दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको पता है कि माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इन एमएस पावर पॉइंट द फॉलोइंग इज नॉट एडवांस द स्लाइड इन ए स्लाइड शो व्यू, यानी इसमें से आप किस की का उपयोग करोगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो आपकी स्लाइड शो चल रही होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है वह स्केप की, यानी सी, स्केप, ESC, स्केप का मतलब ही होता है बाहर आ जाना। तो इसका जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, स्केप की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है 1 KB बराबर 1024 bytes, ये आपका सही ऑप्शन है। 1 MB के अंदर 1024 kilobytes होती है, तो ये 1 MB के अंदर 1000, ये तीसरा भी गलत है, 1 KB के अंदर 1000 bytes होती है, ये भी गलत है, ये 1000 kilobytes, ये भी गलत है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ए, ऑप्शन ए, 1 KB बराबर 1024 bytes। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, इनमें से कौन से दो आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर और प्रिंटर, यानी इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका बी,
कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, विंडोज 2000 एंड विंडोज एनटी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्लॉपी डिस्क और सीडी ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी इसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हो। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है मॉनिटर एंड प्रिंटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैपिटल लेटर ऑन कीबोर्ड आर रेफरेंस टू एज। कीबोर्ड के अंदर जो कैपिटल लेटर होते हैं वो कैसे आप लिख सकते हो? तो देखिए, आपको सबको पता है कि कीबोर्ड के अंदर एक कैप्स लॉक की होती है, जिसको आप एक बार प्रेस करोगे तो आप कैपिटल लेटर लिख सकते हो, दोबारा प्रेस करोगे तो आप स्मॉल लेटर लिख सकते हो। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, कैप्स लॉक की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एम आई सी आर सी स्टैंड फॉर, यानी एम आई सी आर में सी का क्या अर्थ होता है? तो एम आई सी आर का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये देखिए, कंप्यूटर कोड कलर और करेक्टर। तो इसका जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, करेक्टर, एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये एक तरीके का इनपुट, इसको हम इनपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच की इज यूज टू कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क, यानी किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन की का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये इसका जो आपका उत्तर है वो है कंट्रोल की। कंट्रोल की का उपयोग हम स्पेशल की बनाने के लिए करते हैं। फंक्शन की कीबोर्ड में होते हैं जरूर है, पर उनका कॉम्बिनेशन के साथ उपयोग नहीं किया जाता, स्पेस बार का भी नहीं किया जाता और एरो का भी उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ए, कंट्रोल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका सी, यूनिवर्सल सीरियस बस इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी की, व्हाई इज प्राइमरी की यूज इन एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस के अंदर प्राइमरी की क्यों यूज की जाती है? तो देखो, प्राइमरी की ये सूचनाओं को रिकवरी को तेजी से करता है, क्योंकि ये प्राथमिक क्यू संचालित के रूप में अनुक्रमित होती है। ये भी इसका सही उत्तर है। प्राथमिक प्राइमरी की का उपयोग करके आप रिकॉर्ड को डुप्लीकेट डाटा होने से भी बता सकते हैं, और प्राथमिक क्यू का यूज करके आप संचालित रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ डीज। ये जो इसका डी ऑप्शन है वो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ डीज। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इज ए रेफरेंस टू वेब रिसोर्सेज दैट स्पेसिफाई इट्स लोकेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर रिवर्सिंग, यानी ये पूछ रहा है कि जो आप वेब संसाधनों को उपयोग करते हैं कंप्यूटर तंत्र के अंदर, उसके लिए एक एड्रेस किस द्वारा दिया जाता है? तो उसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा आप कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनका एक एड्रेस डिसाइड कर सकते हैं। इसका उत्तर रहेगा आपका बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्नैप असिस्टेंट इन विंडोज 10? विंडोज 10 के अंदर स्नैप असिस्टेंट का क्या उपयोग है? विंडोज 10 के अंदर स्नैप शॉट का, स्नैप असिस्टेंट का उपयोग करके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो टू टेक स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट लेने के लिए आप विंडोज 10 के अंदर स्नैप असिस्टेंट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज बाई सर्च इंजन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, सर्च इंजन के द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसके उपयोग किया जाता है? तो देखिए, वेब क्राउडसोर्सिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क कनेक्शन डिवाइसिस, इनमें से कौन सा नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है? तो हब भी एक नेटवर्क डिवाइस है, स्विच भी एक नेटवर्क डिवाइस है, प्रोसेसर एक नेटवर्क डिवाइस नहीं होता है, और डी, यानी इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, हब और स्विच दोनों ही एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इन विच बार डज द यूआरएल शो, यूआरएल आपको कहाँ पे दिखाई देता है? तो यूआरएल आपको दिखाई देता है एड्रेस बार के अंदर। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये आपको दिखाई देता है एड्रेस बार के अंदर। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ऑन वर्कशीट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो वर्कशीट के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उन लाइंस को हम कहते हैं ग्रिड लाइंस, उस लाइन को हम कहते हैं
ग्रिड लाइंस, जो आडी और तिरछी लाइनें होती है वर्कशीट के अंदर, उनको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। तो इसका उत्तर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी इन ईमेल? बीसीसी का पूरा नाम क्या है ईमेल के अंदर? तो दोस्तों बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें पूछा है नेटस्केप नेविगेटर इज ए टाइप ऑफ, यानी नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर होता है एक ब्राउजर जिसके अंदर आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूविंग अराउंड द वे फ्रॉम वन साइड टू अनदर इज कॉल्ड, यानी एक साइड से दूसरे साइड पे जाने की जो प्रक्रिया आती है वो क्या कहती है? तो उसको हम सब जानते हैं, उसको कहते हैं नेविगेटिंग, नेविगेशन के दो नेविगेटिंग के द्वारा वे आप एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो अभी जब से मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, विच प्रिंटर प्रिंट्स द डाटा और इमेज बाय स्प्रिंग ऑल ड्रॉप्स टू इंक ए हाई स्पीड इनटू अनदर पेपर? कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं का अत्यंत तेजी से छिड़कर डाटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो इसका जो उत्तर है वो रहेगा इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर इसका सही उत्तर है ए। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज के पेपर की, 31 जनवरी को जो आज का आरकेसीएल पेपर हुआ है, इसकी मैंने आपको आंसर की प्रदान की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।